हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज द पिकनिक। आप भी पिकनिक भी गए होंगे ऑफ कोर्स, बट यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज। हर लड़का उतना ही रुपया कंट्रीब्यूट किया, मतलब मिलाया वो पिकनिक जाने के लिए, एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जितने लड़के क्लास में थे। ओके, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज 15, ओके, बट इट हैज जस्ट गिवन अ डिफरेंट सिचुएशन। ओके, इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1156, यदि टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया है 1156, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो क्लास का स्ट्रेंथ क्या है, समझिएगा। हम पहले क्या करेंगे कि पहले मानेंगे कि लड़के कितने हैं, ठीक है। तो लड़के कितने हैं वही बोलते हैं उसी को स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो वही निकालना भी हमें है। चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसको भी है। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द क्लास बी एक्स, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं वही मान रहा हूं। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में हमने मान लिया एक्स। तो देखिए ये बताइए, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि हैं तो एक्स रुपीज ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि दैट इज, या फिर लिख सकते हैं कि सो ईच स्टूडेंट इज कंट्रीब्यूटिंग is contributing x rupees, है कि नहीं। क्योंकि जितने लड़के हैं उतने ही रुपीज वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो समझिएगा मैं क्या करना चाहता हूं कि सारे लड़कों का जो प्राइस है, जो प्राइस मनी है, उसको जोड़ करके मैं निकालना चाहता हूं टोटल सम कितना आएगा, सोचिए। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि x रुपीज को मैं ऐड करूंगा कितनी बार, जितने लड़के हैं उसमें, क्योंकि जितने लड़के हैं उतने लड़के जो है एक्स एक्स रुपीज ही कंट्रीब्यूट किए हैं। मीन्स आई एम गोइंग टू डू दिस। तो यहां लिख सकता हूं क्लियरली, क्लियरली क्या होगा, एक्स प्लस, देखिए ये पहले ये एक्स रुपीज में जोड़ रहा हूं, ठीक है। एक्स क्या है, रुपीज है। तो एक्स रुपीज क्या है, पहले लड़के का, पहला लड़का एक्स रुपीज कंट्रीब्यूट किया था, दूसरा लड़का भी एक्स रुपीज ही कंट्रीब्यूट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर तीसरा लड़का भी एक्स ही रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ऐसे जाते 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 कितने लड़के हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं। तो ये कितनी बार ऐड होगा, एक्स बार, है कि नहीं, समझो इसको, समझो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे जाते 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 लास्ट में जो ऐड होगा वो होगा एक्स, या फिर लिख सकते हैं इसको इस तरीके से एक्स टाइम्स, एक्स टाइम्स, मतलब कि एक्स बार हम क्या करेंगे, एक्स को ऐड करेंगे। ये बात समझ आ रही है। जैसे कि मैं इसको छोटे रूप में ले लूं, जैसे कि ये मैं एक्स लिया हूं, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, या नहीं हो रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन यदि आपको हो रहा है कुछ भी दिक्कत तो समझ लीजिए, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ओके, यदि मान लीजिए मैं, यदि मान लीजिए आपके क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, 5, ओके, तो 5 है तो 5 रुपीज वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे करेंगे बस, 1 2 3 4 5, मतलब 5 लड़के हैं और इसने 5 रुपीज कंट्रीब्यूट किया है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, सोचिए। इसको ऐड करेंगे, या तो आप काउंट कर लें, या फिर बहुत बड़ा रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना है ये, है कि नहीं। 5 into 5, 25 होगा ये एक्चुअली। तो कहने का मतलब है कि हम यहां भी वही करेंगे, x को हम ऐड कर रहे हैं कितनी बार, x टाइम्स। तो क्या करेंगे हम,
एक्स इंटू एक्स कर देंगे, हमारा टोटल नंबर ऑफ आ जाएगा, टोटल मनी प्राइस मनी। और टोटल प्राइस मनी जो ये है वो बराबर है कितने के, 1156 टोटल कंट्रीब्यूशन। तो हमें देते हैं 1156 रुपीज। इट इंप्लाइज, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ेंगे जब ऐड करेंगे तो ये एक्चुअली होगा x इंटू x और दैट विल बी इक्वल टू 1156 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1156। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स व्हाट विल बी गेट, यहां मिलेगा x इज इक्वल टू, यहां मिलेगा स्क्वायर रूट 1156। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका कैसे निकालेंगे, हम ये निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए ओके, 1156 हम 2 से पहले ले जाएंगे क्योंकि यहां पर 6 है। 2 5 10, 1 बचा 2 4 2 7 14, 2 8 16, 2 से जाएगा 2 2 4, 2 8 16, 2 9 18। ओके, अब ये जानते हैं हम लोग 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 17, ये 17 ही आएगा और 17 में 17। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है और हमें 2 का पेयर मिला है और 17 का पेयर मिला है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको ले सकते हैं 2 × 2 × 17 × 17। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, फैक्टराइज कर दीजिए, मतलब ये एक और मेथड पढ़ेंगे, ये मतलब कि जो भी पढ़ रहे हैं उसके अनुसार हम करेंगे। ओके, तो अब यहाँ से हम इसको हटा देंगे, हम अब स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं तो बस पेयर हटा दीजिए, पेयर मिला करके एक पेयर निकाल लीजिए, तो 2 यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर निकलेगा 17, तो 17 टू जा क्या होता है 34। तो x आ गया 34, पूछ कर रहा है स्ट्रेंथ और वही हमने माना था स्ट्रेंथ x, ले सकते हैं कि हैंस द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 34। यदि ये मैं क्वेश्चन पूछूं कि ठीक है स्ट्रेंथ यदि 34 आ गया तो कितने ईच ने कंट्रीब्यूट किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे, ईच लड़के ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, यदि स्ट्रेंथ कितनी है 34 है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ।